बठिंडा के हलका मोड़ मंडी में श्रोमणी अकाली दल के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले जगमीत सिंह बराड़ को गत दिनों अकाली दल की ओर से पार्टी में से निकाल दिया गया था। वे अपने क्षेत्र मोड़ मंडी में कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जगमीत सिंह बराड़ ने कहा कि वे 38 वर्ष कांग्रेस में रहे और लोगों की सेवा की और अब वे श्रोमणी अकाली दल में थे। उन्होंने कहा कि वे अकाली हैं और अकाली ही रहेंगे, किसी अन्य पार्टी में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं नहीं, देखो आज जैसे थे कतर हुए हैं, इस हलके दा बहुत वड्डा समर्थन मैनू मिलया। मेरे राजनीतिक जीवन च मैनू 5-5 लाख वोट भी पई है ते 25,000-24,000 भी पई है, लेकिन जिन्ना सहयोग जिन्ना प्यार मौड़ विधानसभा हलके दे लोकां ने मैनू दिता, मैं उन्होंने एहसान मानदा। और मैं ता जिंदगी अपने दोस्तां अपने इन्हां परिवारां अकाली दल दे समर्थकां दी हमेशा जो मैं मदद कर सकता करा। जितों तक अकाली दल दे विच मतभेदां दा सवाल है, वो तुसीं जानदे हो कि त्याग दी भावना दी मंग मैं कीती सी और ये क्या सी कि अकाली दल खेतरी पार्टी वजो मजबूत होना जरूरी है देश लई। उहदे च उन्हां ने मुनासिब समझिया कि वो प्रधान सी, प्रधान हन, प्रधान रहनगे। सिविल अस्पताल पठानकोट में सस्ती रसोई मरीजों और सेवादारों की भूख मिटा रही है। पठानकोट विकास मंच पिछले 25 वर्षों से 500 से 600 लोगों को भोजन दे रहा है। संस्था द्वारा इस थाली की फीस मात्र 10 रुपए रखी गई है और यह भी जरूरतमंद व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह यह रकम अदा करना चाहता है या नहीं। सस्ती रसोई में खाना बनाने, बैठने, खाने पीने और बर्तन धोने का प्रबंध किया गया है। सिविल अस्पताल में लोगों को रोजाना 12:30 बजे से 3 बजे तक सस्ती रसोई में खाना खिलाया जाता है और रविवार को सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार संस्था द्वारा भोजन दिया जाता है, जिसमें सूखी सब्जी, दाल, अचार, सलाद, चावल और चपाती शामिल है। संस्था द्वारा महीने में 1 दिन लोगों को शाही भोज परोसा जाता है, जिसमें स्वादिष्ट पकवान जैसे पूरी, खीर, सूखी सब्जी और 2 बढ़िया किस्म की सब्जियां होती हैं। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। सिविल अस्पताल के अंदर सस्ती रसोई चला रहे हैं, क्योंकि सिविल अस्पताल के अंदर दुखी ते गरीब मरीज आते हैं, अपना किसी का दुख ले नहीं सकते, उसकी मदद करके उसके दुख में असीं घटा जरूर सकते हैं। साड़ी सारी टीम इस काम च लगी है कि जेडे भी कोई दूर दराज तो मरीज आते हैं उन्होंने कोई दवाई लैके दें, खाना वितरित करने, जोड़ा मरीजों अंदर खाना असं वितरित करने फ्री है, जोड़ा असी इतने सस्ती रसोई करने वह 10 रुपये की थाली लें, एक सुखी सब्जी, गिली सब्जी, चावल, चपाती और कोई ना कोई मिठा होंगे और बड़ा वधिया तरीके यह खाना असं दें। और साढ़े जोड़े एक्स सर्विसमैन साढ़े न काफ़ी लोग जुड़े है, तकरीबन साढ़ी 300-400 मैंबर साडा हैगा, एक्टिव मैंबर 100 के करीब साडा मैंबर है। ये होर असी कई सेवा के काम करते हैं, आप सेवा केंद्र खोलिया जो लंबी बीमारी के पेशेंट है उन्होंने जिन्हें भी कोई चीज़ चाहिए असं फ्री दें, जिमें कि बैड, हवा वाले गद्दे, पानी वाले गद्दे, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पॉट और व्हीलचेयर, इदा काफ़ी मशीन साढ़े है जी उन्होंने फ्री दें। प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था दिशा दीप की ओर से श्री गुरु रविदास जी महाराज के 646वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष में खूनदान एवं आंखों के दान का शिविर 66 फुटी रोड चालंदर में लगाया गया, जिसका उद्घाटन दिशा दीप के संस्थापक और चीफ लॉयन SM सिंह, पंजाब नेशनल बैंक रामा मंडी की चीफ मैनेजर कृष्णा देवी, किंग हैरी और हैरी धारीवाल ने किया। इस मौके पर 32 खूनदानियों ने रक्तदान किया। इस मौके पर SM सिंह ने कहा कि हम जितने लंगरों और धार्मिक समागमों का आयोजन करते हैं, अगर उतना ही दवाइयों और खूनदान कैंप का आयोजन किया जाए तो देश में खून की कमी की समस्या खत्म हो सकती है। इस मौके पर चेयरमैन जसविंदर सिंह, उप चेयरमैन तरसेम जालंधरी, SP सिंह, शहबाज सिंह लुबाना, रुपिंदर सिंह सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। दिशादीप NGO की समुची टीम, साडे कैप्टन जसविंदर सिंह जो कि इस संस्था के चेयरमैन ने, SP सिंह जी जिन्हों का जन्मदिन भी है, ये
ब्लड डोनर्स आई एसोसीएशन के चेयरमैन ने और दिशादीप के भी आई डोनेशन के चेयरमैन ने उहदे नाल शहबाज सिंह लुबाणा जिन्हां नूं अज दिशादीप के डायरैक्टर के तौर पर नवी नियुक्ति जिहड़ी असीं कीती हैगी है। असीं अज खुश हाँ कि असी श्री गुरु रविदास जी महाराज के 646वें गुरपुरब के मौके पर एक खूनदान कैंप लगा के समाज में एक चुनौती पेश कर रहे हैं। इस साड़ी श्रद्धांजलि भी तुसी कहो तो वधिया रहेगा। चुनौती इस करके कि हिंदुस्तान दे विच या लगभग बहुत सारे देशों दे विच खून की कमी जिहड़ी है वो रहिंदी है और उस खून की कमी नूं पूरा करन लई सानूं इन्हां कैंपां का आयोजन करना पैंदा है। विकसित देश ने जिथे उन्हां दे जिहड़े जिम्मेदार नागरिक ने वो अपने आप ही जाके हस्पतालों के खूनदान कराते हैं, उन्होंने कैंप लगाने की लोड़ नहीं पैंदी। भारत ही एक अजिहा देश है जिथे सानू खूनदान करके थैलेसेमिक बच्चों वास्ते, सड़की दुर्घटनावां दे शिकार मरीजों वास्ते और गर्भवती औरतां जिन्हों के जनेपे समय खून की लोड़ होंगी है उन्हों की लोड़ की पूर्ति वास्ते सानू कैंप लगाने पैंदे हैं। मैं कैप्टन जसविंदर सिंह चेयरमैन दिशादीप NGO जिस दे संस्थापक लायन एसएम सिंह ने एक बहुउद्देशीय संस्था है जिस कि इन्होंने अज एक गुरु रविदास जी के जन्मदिन की खुशी में एक योगदान कैंप का आयोजन किया है। सारे वीरों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। अज अपना रुपिंदर भाई उन्होंने लग्जरी कार पॉइंट के शोरूम के बाहर कोऑर्डिनेशन कैंप लाया जिसे लायन एसएम सिंह जी हैरी भाजी तो अपना रुपिंदर वीर तो सारे मेरे भरा मैडम कृष्णा जी साडे मानयोग आए हैं। बाकी जेडे मेरे नाल मेरे वीर आए ने सारे अपना ब्लड डोनेशन देंगे। ब्लड दान करना बहुत जरूरी चीज़ है, यहोजी चीज़ है जिसकी साइंस अज तक तोड़ नहीं कट सकी। ब्लड की काट ब्लड ही है, ब्लड का मतलब ब्लड देने वाले दे नाल ही होनी है, कोई दवाई या कोई होर एंटीबायोटिका का हल नहीं कर सकती। इस करके मेरे वीरों ब्लड दान जरूर करो, रक्तदान महादान है, आप रल मिल के एक दूजे की जान बचा सकते हैं सिर्फ ब्लड दान करके। अज रुपिंदर भाजी उन्होंने एक जो उपराला किया ब्लड कैंप का, अच्छ इतने असं आए हैं लग्जरी पॉइंट से ना सा लॉयन SM सिंह जी तो नाल सारे मेरे मित्र आए हैं हैरी किंग जी तो बस ये कि उपराला ब्लड कैंप का बहुत वधिया गल है तो सानू सारे खूनदान करना चाहिए। वध तो वध जिन्ना भी हो सके कैंप लगने चाहिए तो बस सारे सहयोग दे सकते। पंजाब नैशनल बैंक रामा मंडी चीफ मैनेजर, मैं दिशादीप NGO की मैंबर के तौर पर ज्वाइन किया है तो उन्होंने खूनदान कैंप लगाया। खूनदान कैंप नूं अच्छा रिस्पोंस मिलिया। खूनदान करना एक अनमोल दान करन दे बराबर है। खूनदान महादान एक जान बचांदा है जो कि जरूरतमंद लोग होंदे है उन्होंने दे के उन्हां दी जान बचाई जा सकती है। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से FRK के 24 सैंपल रिजेक्ट करने के विरुद्ध शेलर मालिकों द्वारा शेलर एसोसिएशन के पंजाब प्रधान तरसेम सिंह सैनी के दिशा निर्देशों के अनुसार शेलर एसोसिएशन पंजाब के उप प्रधान सरपंच बंत सिंह कालरा और एडवोकेट जरनैल सिंह की अगुवाई में FCI मोरिंडा के गोदाम के आगे रोष प्रदर्शन किया गया और FCI के खिलाफ नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि FCI जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही है, इसलिए वे ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने मांग की कि रिजेक्ट किए गए सैंपल्स को पास किया जाए। इस मौके पर करमवीर भुल्लर, रोहित गुप्ता, विपिन सिंह, रणदीप सिंह राणा, अरुण गोयल, सुरेंद्र वर्मा, MR वर्मा, हाकम सिंह भी मौजूद रहे। मोरिंडा से हलचल के लिए राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। मिलरां ने कट्ठे होकर शैलर मिलरां ने कट्ठे होकर FCI के खिलाफ अपना पक्के तौर पर बंद का ऐलान किया। इस संबंधी साढ़े पंजाब के प्रधान तरसेम सिंह सैनी जी वालों सानू पिछले 2-3 दिन तो कॉल आई सी भी कि आप सारे मिलिंग सेंटर जो फोर्टिफाइड राइस का FCI ने साढ़े धक्केशाही शुरू की है सैंपल फेल करके उदे लई असी अपना धरना अज पक्के तौर पर अपने डिपुआ में माल डंप करना FCI के FSD डंप करना बंद करके अपना पक्के तौर पर काम बंद किया जदों तक साड़ियां मंगा
पूरियां नहीं करते। प्रसिद्ध लेखक और गायक तरसेम जालंधरी की ओर से श्री गुरु रविदास जी महाराज के 646वें प्रकाश पर्व को समर्पित कैसेट अज रौनका लगियाने का विमोचन किया गया, जिसका लोकार्पण समाज सेवक एसएम सिंह ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। इस मौके पर कैप्टन जसविंदर सिंह, एमपी सिंह, शहबाज सिंह लुबाना, डॉक्टर गुरपिंदर कौर, रुपिंदर सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर एसएम सिंह ने कहा कि तरसेम जालंधरी की साहित्य और धार्मिक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान है, जिन्होंने अपनी साफ व स्वच्छ लिखाई और गायकी के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस मौके पर उन्हें सिरोपा देकर सम्मानित भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 646वें गुरपुरब के मौके पर समाज सेवी संस्था दिशादीप के संस्थापक के चीफ की हैसियत विच आज सारी समुची टीम तरसेम जलंधरी जी नूं बधाई देने वास्ते इकट्ठी हुई है, जिन्होंने पंजाबी साहित और धार्मिक साहित दे विच ना सिर्फ चंगा लिखिया है बल्कि साफ सुथरी गायकी नाल इसका पत्थर भी उच्चा किया है। मैं समझदा कि सानू सारिआं नूं तारियां मार के तरसेम जलंधरी जी की हौसला अफजाई करनी चाहिए है। पहले तो श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के गुरपुरब दियाँ सब नूं लख लख बधाइयां। यह मेरे वालों यानी तरसेम जलंधरी वालों यह गुरु रविदास महाराज जी के शब्द अज रौनकां लगियां ने जो मेरे बारे मेरे वालों लिखा और गाया गया है, भरपूर इस टाइम सहयोग मिल रहा है, लोगों च बहुत जोश है इस बारे तो, और जो मेरे नाल मेरे साथी रिलीज़ कर रहे हैं साडे लॉयन एस एम सिंह जी, एस पी सिंह जी और कैप्टन साहब और सहबाज, इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया, और साडे सिविल हस्पताल तो डॉक्टर इन्हां टीम आई है इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। होटल कारोबार में अपनी अलग पहचान बनाने वाले और प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम कपूर की माता व मदन कपूर की धर्मपत्नी उर्मिला देवी कपूर अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन मॉडल टाउन स्थित उनके निवास स्थान पर किया गया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, संयुक्त संपादक अभिषेक विज, नरेश मित्तल, नरेश गुजरा, मेयर जगदीश राज राजा, पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़, अशोक मल्होत्रा, पूर्व मेयर राकेश राठौर, उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, सुरेश शर्मा, सुशांत शर्मा, सुदर्शन शर्मा, नरेश शर्मा, करण मल्होत्रा, महेंद्रपाल शूर, प्रसिद्ध उद्योगपति पूर्णिमा बेरी, परमिंदर बेरी, जगमीत सिंह बराड़, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, पूर्व मेयर सुरेश सहगल, चंद्र गरेवाल और पारिवारिक सदस्यों में पति मदन कपूर, बेटे गौतम कपूर, बहू सवीना कपूर, बेटी आराधना, दामाद मनु मेहता के अलावा राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तथा व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि भेंट की।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ,
प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु महाराज जी की अपार कृपा बरस रही है साढ़े सारे ते, जो अज असी अपने पूज माता उर्मिला देवी कपूर जी, जीवन साथी श्री मदन कपूर जी और उन्हां नूं शरणागलियां अर्पण करन वास्ते, जो उन्होंने अपने जीवन दे अंदर अपने परिवार नूं, अपने आंढ गुआंढ नूं, अपने हमसायां नूं, असीं इत्थे अज सारे एकत्र होए हाँ। गुरु महाराज कृपा करे उस विछड़ी आत्मा नूं सदीप कर ले, अपने चरणों विच निवास बख्शे, पिछे परिवार नूं जो वाहिगुरू दी रज़ा वरत रही है उस विच राजी रहने की समर्था बख्शे। तो गुरु सवारी सत संगत जी, अज का यह सारा समागम कपूर परिवार वालों आयोजित होया है, आप जी सारे सज्जन उन्होंने शरणांजलियाँ अर्पित करन वास्ते इत्थे हाजिर होए हो। तो सज्जनों, जदों कोई इस तरह हमसाए हमदर्दी लिए हाजिर होंदे ने, ते जेड़ा कोई विछोड़े का गम हुंदा है वो घट जाता है, तो मन के अंदर हौसला अफजाई हो जाती है और असी उस अकाल पुरख के पाने नू मनन दे समर्थ हो जाने। परिवार को जीवन साथी को अपना जीवन साथी विछड़िया, परिवार को एक माँ विछड़ी। माँ कहते माता का जो एक माँ का महात्म है, जो परिवार के अंदर उसकी कलना होंदी है वो बहुत उत्तम होंदी है, क्योंकि सारा परिवार उन्होंने उस सिक्ख्या धारण करके अपना जीवन सुखी बनाता है, तो आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी सुखी बनाता है। गुरु सवारी साध संगत जी, जिन्होंने माँ का महत्व समझा है, उन्होंने इस गल का पता है कि एक माँ आम तौर पर इसरी नूं असीं इस तरह को समझते हैं जिस तरह शायद साढ़े नालों मर्दा नालों कमज़ोर होंदी है, पर ऐसा नहीं है। सानू साडे ऋषियां मुनिया ने इहदी महत्ता नूं दर्शाया है, सानू उस गल नूं समझ लैना चाहीदा है। I think the fact that most of us here call ammi ammi just goes to show how meaningful of a person and how with some of the things I'm going to miss the most. I'm going to miss ammi's smile every time I walk in through those doors. I'm going to miss ammi's warm embrace and the feeling of holding her soft hands every time she asks me to update her on what's going on in my life. I'm going to miss Ami's voice, and I'm going to miss hearing Ami ask me every time we visit India, kya kya khaoge aaj kal parsoon, even though the answer is always the same. I always ask her the same things: besan ki paranthi, lamb pulao with kevra, chili chicken, and of course pizza, which Ami is always in disbelief by, because we've come all the way from the United States and here we're asking Ami for pizza. But Ami's pizza was always the best. And that part of Ami, I think, will still live on through Jogsing and Suresh, and hopefully with practice through me. Begin to talk about Ami. I want to express gratitude. Jogsing, Suresh, जिस प्यार से, जिस मेहनत से, जिस दिल से आपने अम्मी का ख्याल रखा, हम सब के पास लफ्ज़ नहीं है थैंक यू कहने के लिए। जितना ही प्यार आपने उनको दिया, उससे कहीं ज़्यादा प्यार आपको मिला। मेरी ये प्रार्थना है कि अम्मी का प्यार, अम्मी की आवाज़, अम्मी की खुशबू हमेशा आपके दिल में रहे और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके सर पर रहे। Now about our Ammi. How does one even begin to sift through a lifetime of beautiful memories and unconditional love
into a tribute. Ami had a spark. I was a little girl at school when I knew I had a mother like no other. I saw it everywhere, in the eyes of my friends, my teachers, shopkeepers, doctors, and family. I remember once Ami was called to school because I was in trouble. The teachers wanted to complain about me. Ami was at school, and the next thing I know, instead of complaining about me, she was being invited to be the judge of the school cooking competition next week. I could tell even then that Ami was special, always ahead of her times. Ami was one of the first women in Jalandhar to drive a car. She topped her mathematics exam and matriculation in the entire state of pre-partition Punjab. She enriched our lives with Tagore, Tolstoy, Hugo. Her love for Rabindranath Tagore led her to learn Bangla at the age of 59. It didn't stop there. Ever the trailblazer, she started to learn Urdu at age 84. In the beginning, her tutor gave her a page of homework. When he came back, she had done 15 pages of homework. The next day when he came again, gave her one page, she had another 15 pages ready. He said, Penji, holi holi karo, inni koi jaldi nahi hai, holi holi karo, sab pakka ho jayega. And what do I say about you, dear Ami, a magical storyteller who would take us back to an enchanted childhood where we vividly felt the joy, the pain, the excitement and naughtiness of little Ami. जालंधर के वार्ड नंबर 64 के कांग्रेसी पार्षद रहे सुशील कालिया विक्की, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रखे गए श्री गरुड़ पुराण जी का भोग एवं रस्म क्रिया श्री देवी तला मंदिर स्थित श्री राम हाल में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडित गुलशन शर्मा ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय सुशील कालिया विक्की की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अवतार हेनरी, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, मेयर जगदीश राज राजा, पूर्व विधायक सुशील रिंकू, श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, मां मंगला मुखी धाम गुलमोहर सिटी के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज, पार्षद रीटा शर्मा, अंजलि भगत, दीपक शारदा, रवि सैनी, तरसेम लखोत्रा, मोहिंदर सिंह गुल्लू, गुरविंदर बंटी, बलराज गुप्ता, माइक खोसला, अश्विनी अग्रवाल, राजू शर्मा, राजेश भट्टी, रवि प्रकाश कालिया, शैलेंद्र कालिया, चंद्र गरेवाल, सुरेश सहगल, वीरेंद्र शर्मा, हरभजन सिंह सैनी, दीपक जोशी, गोरा गिल, अभिमन्यु घई, पवन गुप्ता, जगदीश समराय, सुखविंदर कालिया, राजीव कालिया, रविंदर बांसल, सुदर्शन मुंगिया, बिनी छाबड़ा, रवि महेंद्रू, नंदलाल शर्मा, रवि महेंद्रू, गोगी प्रधान, प्रिंसिपल संजय शर्मा, परमजीत सिंह सैनी, गुरमीत कौर, हरविंदर सिंह बग्गा, गुरशरण सिंह, मोहित मोला, रमित दत्ता, सुमित बेरी, रिंकू अग्रवाल, श्री कंठ जज, सनी दुनी विच, किशन लाल अरोड़ा, रमेश लाल अरोड़ा, गुरुदत्त शिंगारी, मिंटू पल्टा, मोहिंदर पाल अग्रवाल, जेबी चड्डा, सुमित कालिया, यश प्रभाकर, निशांत सिंह, हरीश महेंद्रू, किशन लाल, अमित सहगल, आत्म प्रकाश बबलू, जतेंद्र सहगल, सुखविंदर बग्गा, सतीश धीर और पारिवारिक सदस्यों में अनमोल कालिया, राघव कालिया, टिंकू ढिंगरा, नवीन शर्मा सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय सुशील कालिया विक्की को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के गुरु रविदास नगर में पुरानी रंजिश को लेकर चली गोलियां, बाप बेटा हुए घायल। लुधियाना की अदालत के बाहर कोचर मार्केट की तरफ गोलियां चलने का मामला आया सामने, पुलिस जांच में जुटी। अमृतसर की गैंगस्टर टास्क फोर्स ने नशा और हथियार तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश कर दो लोगों को किया गिरफ्तार, 3 पिस्तौल 2 जिंदा रौंद किए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।